ज्योति गर, कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आप सब भी सोच रहे होंगे कि ज्योति मैम का गायब हो गए, वो डेली वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो मैं थोड़ा बिजी थी, और दूसरा मैं सोच रही थी कि आपको जो मैंने टॉपिक्स करवा दिए हैं, अब आप उन्हें एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि अगर मैं आपको आगे सिलेबस जो है करवाती रहूं और आप पिछला जो है कुछ भी रिवाइज ना करो, तो इससे कोई फायदा नहीं है आगे सिलेबस हमें कवर करने का। क्योंकि पहले जो सेशंस में होता था कि हम अप्रैल मई में जो सिलेबस करते थे उसे जून में रिवाइज करते थे, और जुलाई में उसके बाद उनका टेस्ट होता था। तो अब भी हमें यही करना है कि हमने जो सिलेबस अब कवर कर लिया है, हमें उसे एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि सभी स्कूल्स में तो टेस्ट हो रहे हैं या फिर नेक्स्ट वीक्स में आगे टेस्ट होंगे। तो हमें क्या करना है कि जितना हम सिलेबस अब कर चुके हैं, हमें उसकी अच्छे से रिविजन करनी है, ताकि हम उन टेस्ट को अच्छे से दे सके, हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है टेस्ट में नहीं आए। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस हो चुका आपकी, उसे अच्छे से एक बार रिवीजन करनी है। रिवीजन मतलब कैसे? ये नहीं कि हाँ बस एक बार उसे पढ़ा और हो गई रिवीजन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स आपके टेस्ट में आएंगे, आपको उन टॉपिक्स के नेम आपको एक पेज पर उतार लेने हैं। तो मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो उसके बाद आपने एक पेज पर नेम उतार लिए, तो आपको क्या करना है कि वो सभी एक बार रीड करने हैं। तो मतलब पता होना चाहिए आपको कि इन टॉपिक्स में क्या क्या है, एक बार टॉपिक्स को रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने कि जो आपको उनमें से इजी लगते हैं टॉपिक्स, मतलब जो आपको पहले से ही आते हैं, तो आपको उनके पहले रिवीजन करनी। ये नहीं कि आपको जो नहीं आता पहले आप वो करने बैठ जाओ, आपको जो टॉपिक्स पहले आते हैं आप उन्हें एक बार रिवाइज कर ले। तो कम से कम आपको ये होगा कि इन टॉपिक्स के रिवीजन जो है आपकी अच्छे से हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको टॉपिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, फिर आप उन टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। फिर आपको उन टॉपिक्स के आपको देखने कि आपको नोट्स बनाने हैं या कैसे आपको सोल्व करने हैं, कि जैसे आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके बारे में, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है फॉलो करनी पड़ेगी। मान लो अगर आपने कोई टॉपिक रीड किया है, तो आपको एक बार अपने माइंड में सोचना है कि इस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ सकता है, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन, किस टाइप का मतलब क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस है। मान लो आपने क्या किया, आपने टॉपिक तो रीड कर लिया, आपने सिर्फ मतलब क्या किया उसको समझा नहीं, और एक उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, और बाय चांस जो टेस्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे? आपने तो सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया है। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद अपने माइंड में सोचना है कि अगर इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का आ जाए, 3 का आ जाए 1 का आ जाए, या कोई MCQ आ जाए, तो उसको आपको जो है किस टाइप से सॉल्व करना है। अगर आप हर टॉपिक में से इस से सोचेंगे, तो आपको जो है अपने टेस्ट या एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कोई भी टॉपिक जो है आपको एक बार रीड करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद सोचना है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसका जो डायग्राम है वो भी बनाना पड़ेगा अगर है तो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें डायग्राम जो है नहीं बनाना पड़ता। तो आपको जो है अपने अकॉर्डिंग ही अपने माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मतलब उसका कंटेंट है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या स्टूडेंट्स, कि आप अगर कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को NCERT बुक में से रीड करना है। कहाँ से करना है? NCERT बुक में से। आप NCERT बुक में से एक बार टॉपिक को रीड कर सकते हैं, उसके बाद चाहे आप अपनी हेल्प बुक्स हो या आपने कोई नोट्स बनाए हैं, आप उसमें से जो है उन्हें ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। बट एक बार NCERT बुक में से आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को एक बार जरूर जो है रीड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसका डायग्राम आपको आ गया, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को राइट करके देखना है। हाँ जी, आप एक बार उस टॉपिक को राइट जरूर करके देखेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार टॉपिक राइट अच्छे से कर लिया, तो इससे जो है आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, आपको लगेगा अंदर से कि हाँ जी ये मुझे टॉपिक जो है अच्छे से आ गया। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा सकते हैं। तो अब हम करते हैं उन स्टूडेंट्स की बात जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, और अब वो चाहते हैं कि जैसे जैसे उनके टेस्ट नज़दीक आ रहे हैं कि वो भी
टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। चलो जो हो गया आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर अभी भी आप कंसंट्रेशन से अपनी ऑनेस्टी से अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आप जो है टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, ये नहीं कि आपको आपके पास दो तीन दिन का टाइम बचा है तो आप पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास बहुत कम दिन का टाइम बचा है अपने टेस्ट के लिए तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, तो आपको पता तो लग ही गया होगा कि कौन से जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करो, उन्हें अच्छे से समझो, चाहे आप हेल्प बुक्स की मतलब अपने फ्रेंड्स के नोट्स ले सकते हो। तो अब आपके पास टाइम है कि आप भी टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ऑनेस्टी से आपको करना है। ये नहीं कि आप चिट्स बना के ले जाओ टेस्ट में और भी जो आप करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर आप साइंस के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि साइंस में जो इन टॉपिक्स में डायग्राम्स हैं आपको उनके डायग्राम्स जो है वो जरूर करने हैं। उन डायग्राम्स में जो पार्ट्स के नेम है वो भी आपको जरूर करने हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम्स के थ्रू साइंस के किसी क्वेश्चन को समझते हो तो आपको जो है इजिली लर्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।